दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है हाइक किया है, फेलोशिप के अंदर इंक्रीज़ किया है, बढ़ाया है, और कई लोगों को जो है अलग अलग फील्ड के अलग अलग स्ट्रीम के लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या ये उनके लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो बेस्ड ऑन माई ओन नेटवर्क, बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई ओन वेबसाइट सर्फिंग, उससे मैंने जो है उस कन्फ्यूजन को समझा है और उनको मैं आज इन सारे कन्फ्यूजन को और इन क्वेश्चन को एड्रेस करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है वो मैंने कुछ लोगों से या कुछ साइट से पता की है, जो कि रॉन्ग भी हो सकती है, बट वो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है करंट सिनेरियो के हिसाब से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप एक बार इसे कहीं अपने फ्रेंड सर्कल या अपने कहीं पे जो है ऑफिशियल से ज़रूर इसे क्रॉस चेक करें। तो मेरे पास है ये ऑफिशियल मेमोरेंडम जो कि DST की वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, और उसमें जो है काफ़ी लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है। और सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो PhD वाला जो एरिना है, जो कि जैसे जो कि JRF या SRF वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने स्ट्रिक्टली दे रखा है कि सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप JRF हो या SRF, फेलोशिप हाइक उन्हीं के लिए है जिन्होंने कोई टेस्ट दिया है या एंट्रेंस दिया है। ये इनकी दोनों ए और बी जो इन्होंने सब पॉइंट दिया है, इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि आपने अगर कोई नेशनल लेवल का टेस्ट दिया है तभी जो है आप उसके लिए एलिजिबल हो। और उन टेस्ट का भी उन्होंने नाम गिना रखा है, जैसे कि CSIR UGC का जो टेस्ट होता है, अगर वो आपने दिया है और अगर उसमें आपका सिलेक्शन हुआ और फिर आप कहीं पर एनरोल हुए हो तो आपके लिए जो है ये एलिजिबल है। इसके अलावा जो है इन्होंने और भी बहुत सारी जो फंडिंग एजेंसीज, जैसे कि DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DRDO डिफेंस का है, MHRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ICR एग्रीकल्चर का, ICMR मेडिकल का, IITs हैं, ISC है, ISRs हैं। तो इन सब के अंदर जो है इनके जो नेशनलाइज जो एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, अगर या तो आप उस तरह से क्रॉस करके गए हो या इनके द्वारा जो कंडक्ट एंट्रेंस है उसको क्रॉस करके गए हो, और फिर अगर आप वहाँ पे एज अ JRF या SRF हो तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि अगर वो सोशल साइंस के फील्ड के हैं या ह्यूमैनिटी फील्ड के हैं तो क्या उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा, क्योंकि UGC जो है वो ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस और साइंसेस के जो फील्ड हैं उनके लिए जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर आपके पास में UGC JRF है तो डेफिनेटली आपके लिए भी ये हाइक इन फेलोशिप एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा जो CSIR है उसके अंदर भी 5 स्ट्रीम है, जैसा कि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एंड विच आर केमिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। तो अगर आप इनमें से किसी फील्ड के अंदर हैं और अगर आपने CSIR JRF आपके पास में है तो भी आप एलिजिबल होते हैं फेलोशिप के हाइक के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, यानी कि आपने इनमें से कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं निकाला है, लेकिन फिर भी अगर आप लेट्स से किसी साइंटिस्ट या प्रोफेसर के अंडर उसके उनके द्वारा जनरेट किए हुए जो प्रोजेक्ट हैं, जो DST या DBT उन्होंने कहीं सबमिट किया होगा और उनके प्रोजेक्ट के अंदर आपको एज अ JRF या एज एन SRF आपको रखा गया है, तो उसमें भी आप एप्लीकेबल होते हो, ये मैंने अपने एकेडमिक डिपार्टमेंट से पता किया है। पर हाँ, उन्होंने ये बताया है कि वो जो है एक रिवाइज जो है रिसीट भेजते हैं, कोटेशन भेजते हैं, और वहाँ से जो है फिर बाद में जो है एरियर की फॉर्म में आता है और फिर वो आपको दिया जाता है। तो हो सकता है आपको राइट नाउ न मिले, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको ये मिलना चाहिए। कई लोगों को डाउट है कि क्या M.Tech के लोग जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लोगों के लिए इसलिए भी है क्योंकि यहाँ गेट लिख रखा है और M.Tech का कहीं नाम नहीं है। तो जितना मैंने पता किया है M.Tech लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, और जो बात रही गेट के लिखे होने की, जो कि IIT और ISCs के द्वारा जो है किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है नेशन वाइड एग्ज़ाम, तो ये जो है गेट से भी आपको पता होना चाहिए कि वो केवल M.Tech को ही नहीं देता, बल्कि जो है PhD भी जो है वो दी जाती है गेट के सिलेक्शन में अगर आप लेते हो तो। ये बात अलग है कि गेट से क्वालिफाइड लोग बहुत कम जगह IIT और ISC के अलावा कहीं PhD करते हुए दिखते हैं, लेकिन गेट के थ्रू भी जो है आपको PhD मिलती है, और PhD के साथ ही जो JRF और SRF के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो बेसिकली अगर आप गेट के थ्रू JRF के डेजिग्नेशन पे पहुँचे हो तो आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर आप गेट के थ्रू M.Tech के उस पे पहुँचे हो तो जो मेमोरेंडम है वो तो किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं करता है कि आपका उसमें हाइक होने वाला है।
इसके अलावा जैसे और भी गवर्नमेंट की जो है स्कीम्स होती हैं, जैसे कि DST वीमेन साइंटिस्ट की स्कीम है, तो वो लोग भी जो है इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि उनका एक अलग चैनल से आ रहा है और डेफिनेटली जो मैंने पहले बात की है कोई भी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके नहीं आ रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे नॉन नेट जो लोग हैं, जैसे कि जो सीधा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एनरोल है, जिनको आई गेस आई एम नॉट श्योर बाय द वे, लेकिन 5000 और 8000 ऐसा कुछ मिल रहे होते हैं फेलोशिप, तो ये उनके लिए भी हाइक इन फेलोशिप एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए भी ऐसा कोई भी जो है प्रोविज़न नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं रिसर्च एसोसिएट की, जो कि PhD के बाद में रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर MBBA या फिर MD के बाद में, या फिर MS मास्टर ऑफ सर्जन के बाद में एनरोल होते हैं, तो इनको जो है रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन मिलती है, या फिर मान लो वो MPharm करके या MTech करके और MPharm या ME इस तरह के कोर्सेज करके 3 साल का एक डिसेंट रिसर्च एक्सपीरियंस और एक जो है मिनिमम पेपर लेके अगर वो निकलते हैं, जो कि इंटरनेशनली रिव्यूड पीयर रिव्यूड अगर पेपर है, तो वो एलिजिबल होते हैं एज अ रिसर्च एसोसिएट। और 1, 2, 3 कैसे है कि जो अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है इन सब एलिजिबिलिटी के बाद में, तो दैट इज़ RA1। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई PhD कर चुका है, उसे डिग्री मिल चुकी है, उसके बाद में वो 1 साल का जो एक्सपीरियंस अगर ले रहा है तो दैट इज़ RA1। RA2 सेम जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, RA3 जिसका 3 साल का ये थर्ड ईयर का एक्सपीरियंस चल रहा है, तो उनके लिए जो है अलग अलग इन्होंने हाइक इन फेलोशिप किया है और ये उनके लिए जो है बिल्कुल एलिजिबल है। लेकिन जो और भी जो स्कीम्स है, जैसे NPDF है, विच इज़ जो मेरे ख्याल से DBT की DST की तरफ से है, नेशनल पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, या फिर जो कोठारी फेलोशिप है जो कि UGC ऑफर करता है, तो ये फेलोशिप के लिए फ़िलहाल जो है ऐसा कोई भी दस्तावेज के अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया गया है कि उनके लिए भी एप्लीकेबल है। और जितना मैंने पता किया है कुछ लोगों से, इन लोगों ने जो है गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी अभी वहाँ से उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया है, तो मामला अभी भी डाइसी है कि इनका इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा। बट अगेन मैंने एकेडमिक से बात की तो उनके हिसाब से इनका इंक्रीमेंट नहीं होना है, बट आई एम नॉट श्योर, तो अगेन ये आपको चेक करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।